लेकिन कैसे? वोटर लिस्ट में नाम तो मेरी माँ के आए। तो क्या प्रॉब्लम है, जुड़वा देते हैं। हाँ लेकिन उसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना, तब तक तो वोटिंग ही हो जाएगी। ऑनलाइन वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना बहुत ही आसान है। कैसे? ये देखो, तो ये लो, जुड़ गया तुम्हारा नाम। अब हम साथ में वोट देने जाएंगे। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप या वेबसाइट nvsp.in पर ऑनलाइन आवेदन करें, या फिर अधिक जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पे कॉल करें। आओ चलें, वोट डालने। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। जाट सर, हम कहाँ के निवासी हैं? सिमरिया ताल। अभी किस चीज़ की गेहूँ, किस चीज़ की फसल करी है? गेहूँ। यहाँ पर कौन सी समिति में आए हैं? यहाँ वो है अपनी अकबाई समिति है, और सिमरिया ताल से हूँ। गेहूँ तोला। समस्या है आपकी? कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लाइन से आ रहा है। और पहले ही ट्रॉली को चेक कर लेते हैं, उसको छानते हैं, जिसमें ज़्यादा निकलता है उसको फेल कर दें, वापस का छान के लाओ, और जो अच्छी आती है उसको पास कर दे, तो तुलाई होती है। तो आप सहकारी समिति से खुश हैं? हाँ खुश हैं। पानी की व्यवस्था है? बहुत बढ़िया है। अभी जब बारिश हुई है, एक दो दिनों में बारिश हुई, इससे किसी किसान को कोई? हाँ, इससे नुकसान हुआ है। जैसे हमारी कटाई चल रही थी तो उसको बंद किया गया है, क्योंकि उसमें नमी आ गई तो उसमें कूड़ा कचरा आएगा, तो हम लोगों को दिक्कत आएगी। तो 2-4 दिन बाद फिर चालू हो जाएगी हमारी कटाई। बारिश से कुछ खास नुकसान नहीं हुआ? ज़्यादा नहीं, कोई ज़्यादा नहीं हुआ। बारिश में 2-3 दिन में सब बढ़िया आ जाएगा। मेरा नाम है जी दीपू ढिल्लन। आप किस चीज़ की खेती की है आपने? गेहूँ की खेती की है, और हम मदनपुरा में आता है, ये सिमरिया ताल में ही आ जाता है मदनपुरा जी। और सिमरिया में कांटा लगा हुआ है अपना यहीं पे, ये आर बाजवा बेर हाउस में। बहुत क्या सुविधा आपको यहाँ पर दी जा रही है? सुविधा तो मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, और पहले भी काफ़ी जगह कांटे लगे हुए हैं, काफ़ी सोसाइटियों के पहले भी तुलाते रहे हैं सरकारी वेयर हाउस में इधर उधर, तो मतलब इतनी सुविधा नहीं थी, परेशान होता था किसान बहुत। यहाँ पे पानी की सुविधा है सबसे अच्छी, तो ठंडा पानी मिल रहा है किसान को पीने के लिए, और बाकी किसान को परेशानी किसी चीज़ की नहीं है। जैसे और जगह परेशान किया जाता है किसान को ज़्यादा। वेयर हाउस में हम देख रहे हैं सुविधा अच्छी है, यहाँ पर एक जो मॉइस्चर जो है वो उसमें निकल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल का मॉइस्चर, बिल्कुल बिल्कुल। आदमी सबसे नुकसानदायक उसी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर नहीं है वैसी नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे, बहुत सही बनाया हुआ है ये वेयर हाउस भी। और बाकी ये है कि मतलब किसी चीज़ की तंगी नहीं है यहाँ पे, किसान को परेशानी नहीं है किसी चीज़ की। तुलाई में कोई दिक्कत? तुलाई में शर्मा, रविशंकर शर्मा जी, किस सोसाइटी से हो रहे हैं? मैं बढ़िया कोई केंद्र पर समिति प्रबंधक हूँ, वर्तमान में सिमरिया ताल मेरे यहाँ अटैच है, यहाँ उपार्जन का गेहूँ उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। अभी वर्तमान में खरीद वो तुलाई चल रही है? जी हाँ, सिमरिया ताल केंद्र की तुलाई चल रही है, तुलाई और भंडारण। यहाँ पर कुछ किसानों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर सुविधाएं सारी अच्छी हैं, समिति का जो सोसाइटी का जो कार्य है वो उत्कृष्ट कार्य है, पीने का पानी मिल रहा है। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? आपकी मांग क्या है कि किसानों की समस्याओं को किस तरीके से हल किया जाए? प्रशासन से मेरा निवेदन है कि किसानों के लिए जो बेहतर से बेहतर सुविधाएँ वो उनको मिलें, यहाँ जो मजदूर कार्य कर रहे हैं इनके लिए भुगतान की तत्काल व्यवस्था की जाए जी। और वेयर हाउस संचालक द्वारा भी हमको यहाँ सहयोग किया जा रहा है, जिस चीज़ की कमी होती है वो तत्काल उपलब्ध कराई जाती है। समितियों पर जहाँ मतलब गेहूँ तुलाया जाता है वहाँ पर व्यवस्थाएँ देखी जाती है कि मतलब खुले में गेहूँ पड़ा रहता है, तो इसके बारे में आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ खुले में गेहूँ पड़ा रहता है तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि टीन सेट और बाउंड्री कैंपस जहाँ मिले पक्का, वहाँ अधिकतम खरीदी केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, क्योंकि मानसून का कोई पता नहीं रहता, खुले खेतों में या कच्चे ग्राउंड में खरीदी नहीं कराना चाहिए। छोटे केंद्रों में देखने में आता है कि वहाँ पर सुविधाएं नहीं रहती हैं, जैसे डीपी नहीं है, वहाँ पीने का पानी नहीं है, वहाँ चौकीदार नहीं है, ऐसी सुविधाओं के लिए आपका प्रशासन से क्या निवेदन है आपका? देखिए, पीने का पानी तो अनिवार्य है, जो भी खरीदी केंद्र स्थापित किए जाते हैं वो पानी वहाँ नज़दीक होना बहुत आवश्यक है, और डीपी यदि नहीं भी है तो वहाँ जनरेटर से आपातकालीन व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन पीने का पानी अनिवार्य है।